यार आ चुके नई वीडियो के साथ। वो आप सब देखो यार, ये वाली वीडियो में मेरा टीममेट मेरे साथ नहीं था, तो मैंने सोचा यार अकेले स्टार्ट कर देते हैं सोलो वीडियो। लेकिन ये वाले मैच में जो लॉबी होती है वो बहुत ही अजीब गरीब आई थी यार। एक एक टीम को मारने में मेरे को 10-10 मिनट लग जाते हैं ये वाली वीडियो में। अब इतने हाई किल तो नहीं हुए, लेकिन जो भी मैच खेला मैंने बहुत ही खतरनाक था यार। एक एक टीम को मारने में 5-5 मिनट लगे, और एक टाइम पर तो ऐसा मूवमेंट आता है कि बिल्कुल ओपन में एक टीम मेरा वेट करी है और मैं स्मोक के अंदर फंसा हुआ हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मैं वहाँ से सर्वाइव करता हूँ, और वो आपको आखिर में देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर मेरे को एक स्कारल और एक M4 मिल जाती है। अब M4 मिलने के बाद सबसे पहले तो मैं पीछे वाली टीम पे जाता हूँ। वहाँ पर मेरे को उनका एक बंदा जो है कंटेनर के बजाय स्पॉट होता है। अब यार उसको अकेले देख के मैं उसके पाले में तो घुस गया, लेकिन उसके बाद उसकी टीममेट की भी आवाज़ आती है। अब मुझे लगा यार कि ये आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए मैं उस बंदे पर पुश कर जाता हूँ, लेकिन ये उसी का ही टीममेट रहता है जो कि मुझे बेट कर रहा था। अब जैसे मैंने इस बंदे को नॉक किया, अभी मैं फिनिश भी नहीं कर पाया, लेकिन इसका टीममेट आ गया। खैर ये वाला बंदा तो मार दिया गया, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आपके हाथ में S12 की होती है हमेशा जो है पहला शॉट मारने के बाद क्राउच किया करो, क्योंकि देखो यार कभी कभी जो है 3-3 शॉट में भी आदमी जो है नहीं मरता S12 के, तो ऐसे में अगर आप क्राउच कर जाओगे तो उसकी कुछ बुलेट को डॉच कर पाओगे। खैर एक टीम को तो मैंने मार दिया। अब आते हैं इस वाली साइड। अब यहाँ पर ये वाले घर से मुझे कुछ फुटस्टेप आते हैं एनिमी के, और मैं सोच लेता हूँ कि मैं उस पर नेट फेंकूंगा, लेकिन जैसे वो यहाँ से कूदा मैंने नीचे नेट फेंक दिया। और यार ये वाली नेट से उसको थोड़ा तो डैमेज हुआ, इसलिए मैंने ऊपर जो डायरेक्ट रश कर दिया, इसको तो मार दिया। अब इसका टीममेट की बारी थी। अब मैं सबसे पहले तो इसको लूट लेता हूँ उसके पहले कि इसका टीममेट मेरे पे रश कर दे, और इस पर भी मुझे कुछ नेट मिल जाते हैं, लेकिन इतने में आता है इसका टीममेट। अब जैसे मैंने फुटस्टेप सुने तो मैंने इसके साथ भी वही स्कैम किया, मैंने जो है नेट कुक कर दिया, और मुझे पता था ये मेरे पे रश करेगा, इसलिए मैंने जो है उसी रास्ते पर फेंक दिया। लेकिन यार ये वाला बंदा थोड़ा सा समझदार निकला, ये उस तरफ से आया नहीं, ये पीछे से घूम के आया, तो मैंने एक और नेट खींचा, 3 नेट थे मेरे पास, और उधर फेंक दिया। अब यार इसको भले ही नेट से डैमेज नहीं हुआ, लेकिन ये जितनी ओपन में रश कर रहा था वो भी DP लेके बहुत इजीली मार दिया गया। खैर यहाँ पे ज़्यादा बंदे नहीं उतरे थे, और यहाँ वाली दो टीमों को तो मैंने बहुत ईजी मारा, लेकिन आगे जाके जो सीन होंगे ना उससे आपको गारंटी कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे फिलहाल जो है रैंक पुश टीमें होती है ज़्यादातर, और यहाँ पे सबसे पहले मैं ये वाली गाड़ी देख के तो अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि यहाँ पे तो हैं बंदे। अब मिल्टा से जो है जोन गया था, तो मतलब बंदे होने चाहिए यहाँ पे, और इतने में वो खुद ही मेरे को बुला लेते हैं वहाँ से पीछे से फायर करके। अब एक सिंपल सी बात है, अगर मैं डायरेक्ट रोड से जाऊंगा या इस वाली साइड से जाऊंगा तो वो मेरे को इजीली मार सकते हैं, दो बंदे और कहाँ हैं मुझे नहीं पता, इसलिए मैं जो है बिल्कुल पीछे से जाता हूँ बहुत लंबा फ्लैंक करके, और कुछ ज़्यादा ही लंबा फ्लैंक हो जाता है तो फाइनली आ जाता हूँ मैं ये वाली जगह पर। अब वो लोग मेरे को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं इस तरफ से आऊँगा, और यार सबसे पहले तो मैंने इसको नॉक कर दिया। अब जब मैंने नॉक किया तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि वो बंदा जो है VSS है किसी और टीम को मार रहा था, लेकिन मैंने थोड़ी देर के लिए उसको दिमाग से निकाल दिया, और इसके दूसरे टीममेट को ढूंढते ढूंढते आ जाता हूँ यहाँ पर। अब इसके टीममेट की भी आवाज़ आने लगती है मेरे को। अब मैं डायरेक्ट रश कर सकता था, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा खतरा था, क्योंकि वहाँ पे जो है वो ब्रोकन वॉल के पीछे बैठा हुआ था और TPP ले रहा था, और TPP लेते हुए बंदे को मारना इजी नहीं होता। लेकिन जैसे मैंने नेट फेंका, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो किया उसका, और उसके बाद रश कर दिया। और कभी कभी जो है कॉन्फिडेंस लो करने से भी थोड़ा बहुत आदमी जो है एकदम गेम ख़राब हो जाता है उसका। खैर जैसे मैंने इनको मारा तो पीछे से फायर आया। अब पीछे से फायर आया तो जो है मेरी वेस्ट तो अच्छी खासी थी अभी, तो इनको मैं देखने आता हूँ। वहाँ पर गाड़ी रुकी होती है, और मैं जैसे यहाँ से पिक करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ये झाड़ के कारण जो है मेरे को दिखता नहीं है सही से, और वो जो है एक तो मेरे पे M24 चलाता है, और वो तो अच्छा मेरे हेड पे नहीं लगी क्योंकि Level 3 का हेलमेट था। खैर इतने में मैं जो है वेस्ट चेंज करने जाता हूँ। खैर यार ये फ्री का लड्डू तो मैंने खा लिया, लेकिन अब मेरे को वेस्ट चाहिए थी, क्योंकि मेरी वाली वेस्ट जो है आप देख सकते हो पूरी की पूरी तरह डैमेज है। लेकिन इसी से मेरे को याद आया था कि यार उस बॉट के पास Level 3 का हेलमेट था, तो शायद उसके पास वेस्ट भी हो, तो मैं पाँव पर गोली मार के उसको मार देता हूँ, और इसके पास मुझे Level 3 का हेलमेट और अच्छी खासी वेस्ट भी मिल जाती है। अब वो जो पीछे वाले बंदे थे यार, वो मेरी वाली स्ट्रेटजी ही मेरे पे अपना देते हैं, वो भी वहाँ से जो है फ्लैंक कर जाते हैं। अब मेरे को नहीं पता था वो फ्लैंक कर चुके हैं वहाँ पे, तो मैं जो उनको सपोर्ट करते हुए जा रहा था, लेकिन इतने में मेरे को आवाज़ आती है, और ये दोनों बंदे मेरे पे अभी तक फ्लैंक कर चुके थे। अब ये क्योंकि दो थे और एकदम साथ साथ आ रहे थे, रैंक पुशर थे, तो इनको मारना ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल था, वो भी एक साथ, इसलिए मैंने सोचा कि नेट कुक करके फेंकता हूँ। लेकिन एक ही नेट था, तो मैंने अभी उसको बचाए रखा, और पहले तो इनको डैमेज वैमेज देते हैं यहाँ से। अब देखो यार ये वाली टीम को शायद नहीं पता था कि मैं ये वाली साइड से प्लैंक कर चुका हूँ, इसलिए ये एकदम निश्चित रूप से आ रहे थे गन पीछे रख के, और मैंने इसी में जो है एक बंदे को नॉक कर दिया। अब मेरे पास एक नेट बचा था, और ये बेस्ट मौका था नेट फेंकने का, क्योंकि वो इसी जगह पर जो है TPP लेके अपने बंदे को रिवाइव कर रहा था,
लेकिन जैसे मैंने नेट फेंका तो वो शायद उसने नेट छोड़ के जो है अपने आप को बचा लिया उसने वहाँ पे, लेकिन उसका टीममेट को भी कुछ नहीं वहाँ पे। अब एक मौली बची हुई थी जिसको मैं अभी नहीं फेंकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ से अगेन मौली फेंक देता तो वो अगेन बर्बाद हो जाती। इसलिए मैंने जो है सही टाइम का वेट किया और इस जगह पे मैंने अब इस साइड से एंगल बना के फेंक दिया। और अब देखो सीन क्या होते हैं यहाँ पे। और यार यहाँ पे आप सोच रहे होंगे वो कैसे मारा, तो वो जो है ऑलरेडी जल रहा था और इस दीवार पे चढ़ गया था जलने से बचने के लिए, क्योंकि पीछे नहीं जा सकता था वो, वहाँ पे जो है मैंने कवर फायर दे दिया था और वापस जब वो नीचे कूदा तो वो जल के मर गया वहाँ पे। खैर यहाँ पे जो है एक ड्रॉप गिरा था और जब मैं इसको लूटने आता तो एक गाड़ी आ जाती है यहाँ पे। अब मैं यहाँ से पहले से जो है एक नेट कुक करके रखता हूँ ताकि जैसे वो गाड़ी आई तो उसको मार दूंगा, लेकिन वो गाड़ी वाला बहुत समझदार था, उसने जो है गाड़ी पीछे ले ली। अब नेट का भी यहाँ पे कोई असर नहीं हुआ तो उस पर मैं जो है फुल फ्लैंक कर जाता हूँ और जब वो बाहर नहीं आता तो मैं एक वेट करता हूँ यहाँ पे उसकी गाड़ी लेके भागने की एक्टिंग करता हूँ। और अब देखो वो बाहर आ चुका है। और भाई यहाँ पे जो है मैंने इतने जंप मारे यहाँ पे कि भाई ये बंदा से टोटली कंफ्यूज हो गया कि भाई कहाँ से मारूँ उसको, मतलब इतने ब्रोकन वाले यहाँ पे। खैर ये वाला सीन जो आपको सही लगा तो मतलब आपको पता है यार क्या करना है, जस्ट परंपरा याद रखो यार सब्सक्राइब करने की। अब वहाँ पे मैंने जो है उसकी गाड़ी को वेट करने का सीन इसीलिए किया ताकि उसको लगे कि मैं यहाँ से उसकी गाड़ी लेके भागने वाला हूँ। अब क्योंकि जोन में उसको जाना था इसलिए वो जो है डर के मारे उसको आना ही पड़ा और जैसे वो आया था मैंने उसको मार दिया। अब बारी थी ब्रिज क्रॉस करने की, कोई यहाँ पे मजबूरी थी मेरी क्योंकि करना ही था, बहुत दूर जाना था मेरे को। लेकिन इतने में मेरे को जो है थोड़ा सा आगे हलचल दिखती है। अब मैं यहाँ पे स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था कि वो बंदा है कहाँ पे, शायद इनके नीचे से दिख जाए, लेकिन नहीं दिखता वो। अब वो सडनली पता नहीं कहाँ से आया और अब देखो कैसे नॉक करता है। अब मुझे लगा कि वो नॉक होगा और इतने में तो वो डायरेक्ट ही फिनिश हो गया, अकेला बचा हुआ था वहाँ पे। और ये बंदा जो अपने क्लैन का नहीं है तो ये मत समझना कि तुमने अपने क्लैन वाले बंदे को मार दिया, क्योंकि आधे से ज़्यादा कमेंट तो यही आने वाले हैं। खैर अब यहाँ पे सीन क्या होता है कि ये जो बंदा है ये आगे की साइड इसलिए टीपीपी ले रहा होता है क्योंकि पीछे से ऑलरेडी इसको दो और बंदों ने ब्लॉक करके रखा होता है और इसकी भी बेचारे की मजबूरी थी। अब स्टार्ट होता है यहाँ पे एकदम सीरियस गेम और बहुत ज़्यादा माइंड वाला गेम, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने जो सामने वाला जो घर है उसको होल्ड कर रखा हुआ था और एक बंदा इसका शायद ओपन में था जो कि मेरे को फायर कर रहा था। अब डायरेक्ट ज़्यादा तो वो मार देते मेरे को क्योंकि ओब्वियसली वो वहाँ पे बहुत अच्छा टीपीपी ले रहे थे, इसलिए जो मैं पूरा लेफ्ट से लेफ्ट और लेफ्ट जाके फ्लैंक करके आ जाता हूँ ये वाली जगह पे। और जैसे ही गाड़ी गुजरती है तो मैं और ज़्यादा फ्लैंक कर जाता हूँ उन पर। अब ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई क्योंकि जैसे वो गाड़ी गई तो मैं एकदम अच्छी खासी पोजीशन पर आ चुका था। लेकिन यहाँ पे जो है अगेन मेरे से एक गलती हो गई, यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसको मारने में चौक कर गया, लेकिन अब वो जो है दोनों अलर्ट हो चुके हैं और इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाते मैं जो है क्रॉस कर जाता हूँ। अब मेरा पूरा प्लान था नेट ट्रिपल स्टोरी पर फेंकने का, लेकिन यहाँ से आवाज़ आती है तो मैं यहीं फेंक देता हूँ। और इतने में वो बंदा जो है बच के ट्रिपल स्टोरी में वापस चला जाता है। अब एक नेट में छत पे भी करता हूँ क्योंकि वहाँ पे भी बंदे की आवाज़ आ रही थी, लेकिन नेट से नहीं मरने वाले ये बंदे, क्योंकि जैसे मैं नेट की पिन खींच रहा हूँ ये लोग जो है समझदार हैं, वो नीचे चले जा रहे हैं या तो इधर उधर जो है अच्छे कवर में चले जा रहे हैं। लेकिन अब जो है मारना पड़ेगा इनको क्लोज रेंज में, और दो बंदों को एक साथ क्लोज रेंज में मारना मतलब काफ़ी मुश्किल होता है, खासकर अगर वो रैंक पुश कर रहे हो। अब इसको मारते सबसे पहले मैंने ऊपर की तरफ देखा कि वो कूदेगा बचाने के लिए इसको, और ऐसे ही हुआ, वो कूदा तो लेकिन काफ़ी लेट। और यार इतनी लेट कूद के भी क्या फ़ायदा जब इसका टीममेट 5 मिनट पहले ही मर चुका है। खैर यहाँ पे अब बारी थी निकल देने की, यहाँ तक मेरे जो है काफ़ी अच्छे खासे किल हो चुके थे और आगे भी जो है इसको मैं कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन अब जो सीन यहाँ पे होता है ना उस चीज़ से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिलेगा, एंड अगर मिला तो जस्ट सब्सक्राइब करना ये वाले चैनल को। खैर यहाँ पे आता हूँ मैं अपनी यूएस लेके, फ्यूल कम था ये वाले घर पे। अब जिस हिसाब से इन लोगों ने फायर किया मैं इनकी एबिलिटी जान गया कि भाई ये तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरे को फेल देंगे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखता हूँ ये मेरे पे अटैक करेंगे कि नहीं। तो जब ये अटैक नहीं करते समझ आता भाई ये भी रैंक पुश कर रहे हैं, दो बंदे को भी मेरे पे अटैक नहीं कर रहे तो ये अपना मस्त खेल रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ एक चाल चलता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जोन में उनको भी जाना था मेरे को भी जाना था, तो मैंने सोचा जो है अपनी यूएस लेके मैं जोन में पहले ही पहुँच जाता हूँ और ये वाली टीम को यहाँ पे मारूंगा फिर जोन में जाने के बाद। लेकिन भाई वो टीम जो कुछ ज़्यादा ही खासा स्प्रे दे रही थी यहाँ पे, और जब तक मैंने हील किया तो वो टीम जो है मेरे पे रश कर जाती है वो भी अपनी गाड़ी लेके।
अब वो टीम जो है जोन के बाहर क्यों चली गई मुझे नहीं पता, लेकिन उनको लग रहा होगा शायद कि मैं गाड़ी लेके जो वहीं पे गया हूँ इसलिए वो वहीं पे चले गए। अब उनको जोन में आना था, मेरे को तो जाना ही था जोन में, लेकिन उनको भी जाना था, तो मैंने सोचा मैं तो मरूंगा मरूंगा लेकिन ये वाली टीम को साथ ले गया। खैर अगेन ये झाड़ बूटा जो है बीच में आ गया और इसी के कारण जो है थोड़ा सा एम नहीं बन पाया, लेकिन यहाँ पर जो है अगेन मैंने थोड़ा सा ट्राई किया और अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो टीम जो है सबसे पहले तो देखो दो बंदे हैं वो और मैं हूँ अकेला, तीसरी बात वो है जोन में जा चुके हैं गाड़ी लेके। अब सामने देखो एकदम ओपन है, बिल्कुल एक रत्ती भर का भी कवर नहीं है, घास का भी कवर नहीं है, एकदम प्लस्तर है एकदम, और ऊपर से मैं इसके अंदर गिर गया। अब मुझे वापस जाना पड़ेगा उस तरफ से, ऊपर आना पड़ेगा देन वापस जाना पड़ेगा, लेकिन इतनी देर में जो है वो टीम मेरा भरता बनाने वाली है। अब यहाँ पे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी और किस किस को लग रहा है कि यहाँ पे मैं बच जाऊँगा या सर्वाइव कर जाऊँगा मेरे को कमेंट में बताना। खैर यहाँ पे अब देखो मैं जोन के बाहर हूँ 20-22 मीटर, लेकिन मुझे जोन के अंदर जाना है, लेकिन जो जगह जोन के अंदर है वो एकदम ओपन है और वो लोग जहाज़ पे चढ़ चुके हैं, सामने जो फूटा हुआ जहाज़ है और वहाँ से बहुत खासा स्प्रे दे रहे हैं और अब यहाँ पे बचने की कोई भी चांस नहीं है मेरे। लेकिन मेरे पे चार स्मोक होते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हील कर लेता हूँ जब तक स्मोक जो है थोड़ा सा फैलेंगे। खैर अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए तो 5 मिनट के लिए तो मैं बच चुका था, लगभग लगभग स्मोक रहता है 20 से 30 मिनट का, सेकंड का, तो तब तक तो मैं जो है हील कर ही सकता हूँ। अब यहाँ से अगर मुझे बच के जाना है तो मुझे ओबियसली उनको मारना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा काम नहीं बन सकता। 20-22 सेकंड का ये स्मोक है और यहाँ पर आगे उनके तक पहुँचने के लिए लगभग लगभग 100 मीटर है, तो इतना तो मैं नहीं जा सकता ओपन में, वो भी दो बंदों के खिलाफ जो कवर में रह के तुमको गोलियाँ मार रहे हैं, तो मुझे कुछ भी करके उनको अब मारना ही था। अगर मैं यहाँ पे गलती से एक बंदे को नॉक कर देता हूँ तो शायद मैं उन पर रश कर सकता हूँ, लेकिन इतना इजी नहीं होने वाला क्योंकि वो बिल्कुल भी पीक नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने स्पोर्ट करने की कोशिश करी लेकिन पता नहीं क्या स्पोर्ट हुआ मेरे को, जिसमें मैंने गोलियाँ मारी तो वो लोहे का पता नहीं क्या निकला, और ये जो आखिरी स्मोक था ये मैंने कुछ ज़्यादा ही दूर कर दिया क्योंकि धीरे धीरे मैं क्लोज आ रहा था और अब मैं जितनी दूर स्मोक करूँगा उतना ही कवर जो है कम मिलेगा, और यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हुआ। अब जो बंदा मेरे को दिख रहा था यार उसको तो मैंने कुछ भी करके नॉक कर दिया, लेकिन ये जो है जहाज के इंजन के पीछे से मार रहा था छुपके, वो मेरे को बिल्कुल नहीं दिखा यार, और लेट के तो कतई ही नहीं दिखने वाला। तो बस यार यही था गेम प्ले, होप आपको बढ़िया लगा होगा, एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो भाई आपको इस चैनल की परंपरा याद ही होगी, लाइक करने से पहले जस्ट सब्सक्राइब कर देना यार एक बार, क्योंकि उस चीज़ से मेन सपोर्ट मिलता है ना कि लाइक करने से। तो जो भी लाइक कर रहे हो यार वो जस्ट एक बार देख लेना सपोर्ट के बटन को, यानी कि सब्सक्राइब के बटन को, तो सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ जो सेंसिटिविटी देखना चाहता है मोबाइल की, खासकर जो लोग मोबाइल पर खेलते हैं, तो स्प्रे वाली सेंसिटिविटी देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा टॉप पे जहाँ से आप जा सकते हो, एंड आपका फेवरेट मूवी मुझे टैग करना कमेंट के अंदर, मैं जरूर देखूंगा। मैं मिलता हूँ ऐसे को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड